नमस्कार राधे राधे कैसे हैं आप लोग आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की हिंदी पैडोगोलॉजी की क्लास में तो भाई पहले भी बताया था सिर्फ पैडोगलॉजी पर ध्यान नहीं देना है सिर्फ शिक्षण शास्त्र पर ध्यान नहीं देना है हमें शिक्षण शास्त्र के साथ साथ फोकस करना है गद्यांश पर भी पद्यांश पर भी ठीक है तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया हैं और पढ़ाई कर रहे हैं पहले तो एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग कि कौन कौन क्लास में मौजूद है तब हम क्लास की शुरुआत करते हैं चलिए ठीक है बाकी जो पढ़ रहे हैं खुद से समझ में आ रहा है आप लोग को बताया भी था कि भाई अभी मार्केट में गाइडें नहीं मिलेगी मार्केट में किताबें नहीं मिलेगी लगातार कमेंट आते हैं भाई कि किताबों का कुछ बता दीजिए बच्चों सी का आपके पास जो भी मैटीरियल हो सी की तैयारी करते टाइम पर अगर आपके पास कुछ मेटीरियल है उसका कुछ नोट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं बी वाले अपने नोट्स भी यूज कर सकते हैं या फिर अगर किताब ही लेना चाहते हैं तो सी की कोई ऐसी किताब ले लीजिए जो एस्टेट में डायरेक्टली आपको फायदा देती है ठीक है जैसे हम बात करें वहां पर भी टीजीटी पीजीटी या पीआरटी की तो उसी हिसाब से आप लोग ऐसा कोई मटेरियल उठा लीजिए जहां पर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं प्लस में वहां पर हिंदी और अंग्रेजी के पेडागोजी वाले और गद्यांश पद्यांश वाले प्रश्न आपको मिलेंगे ही तो वैसे ही आपके लिए फायदेमंद होगा चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं भाई वो सभी विद्यार्थी जो नए-नए जुड़े हैं सभी को नमस्कार सभी को गुड आफ्टरनून चलिए ठीक है तो दिवाली का मौसम है दिवाली का त्यौहार है मौसम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी मुझे दो तीन दिन, दिन पहले फील भी हो रहा था कि अगर अचानक से ये सारे त्यौहार खत्म हो गए तो कैसा लगने लगेगा अजीब सा सोनापन आ जाएगा वो सोनापन नहीं चाहिए अभी जैसा है जैसे पटाखे जल रहे हैं जैसे हर तरफ सिर्फ लाइटें लाइटें हैं वो उजियाला जिसे हम कहते हैं वो उजाला अगर ऐसे बना रहे तो बड़ा ही अच्छा होगा ठीक है तो अब भाई वही उजाला आ रहा है जो उज्याला आ रहा है उसी की हम बात करते हैं तो भाई दिवाली ऑफर में अब आपके कोर्स भी बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए हैं अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपका महापैक आपको मिलेगा मात्र हजार रुपये में यानी नौ में और वही हम बात करते हैं हरियाणा टीचर के महापैक की हरियाणा शिक्षक के महापैक की तो ये आपको मिलेगा मात्र दो में अगर आप कोई भी कोड अप्लाई करते हैं यहाँ पर अपने फेवरेट एजुकेटर का तो ये जो दो दो हज़ार आपको दिखाई दे रहा है ना वन नाइन डबल नाइन ये और ज़्यादा कम हो जाएगा वन ट्रिपल नाइन से ये आपको पड़ेगा लगभग अट्ठारह सौ या फिर उससे भी ज़्यादा कम आपको कोड अप्लाई करना होगा कोड भाई हमारा है आपका वाई आठ सौ बत्तीस अगर ये आप अप्लाई करते हैं वाई आठ सौ बत्तीस तो आपके कोर्स की प्राइस और भी ज़्यादा कम हो जाएगी अब ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं बाकी हम बताएंगे आपको क्लास के अंत में कि बाकी आप क्या क्या कर सकते हैं कोर्स लेने के लिए और अगर खुद से पढ़ाई कर रहे हैं तब आपको क्या क्या काम करना है सारी चीज़ें बताएंगे चलिए शुरुआत करते हैं चलिए कोई अध्यापक है रुके 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 ये वाला प्रश्न तो भाई आपको करवा दिया था दीप्ति अध्यापक वाला और आप लोगों को बताया भी था कि अध्यापक का नाम हटा दीजिए अपना नाम रख लीजिए एक सेकंड का समय दे बस हाँ यहां से शुरुआत कर रही थी वाइगोत् जी से वाइगोत् ने भाषा विकास का मुख्य परिप्रेक्ष्य किसे माना वाइगोत् ने क्या कहा था भाषा क्या है व्यवहारवादी है समाज सांस्कृतिक है व्यवहारवादी सांस्कृतिक है या फिर संज्ञानवादी है आसान प्रश्न था भाई एक बार पूछा भी हुआ है आप लोगों से तो लगता तो नहीं है इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को दिक्कत आएगी कि वाइगोत् ने भाषा विकास को लेकर क्या बात कही थी उन्होंने क्या कहा था भाषा बच्चा कैसे सीखता है सामाजिक अंत के माध्यम से तो अंत वाला कई बार आ जाता है अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चा भाषा सीखता है कथन ये किसका है वाइगोत्स्की का और इसे ही जब उन्होंने सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहा है कि ये कैसा सिद्धांत है समाज और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में है ठीक है सामाजिक रूप से सांस्कृतिक रूप से बच्चा क्या है भाषा सीख रहा है अंतःक्रिया के माध्यम से चलिए दूसरा प्रश्न है आपका भाषा अर्जित करने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन है जो कि उचित नहीं है जब भी आपको कोई भाषा अर्जन करनी है यानी कि भाषा सीखते हम कहाँ हैं विद्यालय में भाषा अर्जित आप कहाँ करते हैं एक परिवेश में तो इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जो भाषा सीखने को लेकर आपको लगता है सही नहीं है देखें और कमेंट करें कौन सा पॉइंट है जो कि ठीक नहीं होगा यह एक सह प्रक्रिया है सही बात है या नहीं है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ठीक है या नहीं है बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं बात ठीक है या नहीं बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है ये ठीक होगा या नहीं भाषा अर्जित करने को लेकर इनमें से कौन सा कथन है जो आपको लगता है कि सही नहीं है यानी उचित नहीं है बताएं यह एक सह प्रक्रिया है सह शब्द भी मिलता है आपको शब्द मिलता है सहज भी तो दोनों याद रखना होगा क्योंकि सहज को लेकर सीटेट के एग्जाम में बड़ा प्रश्न उठता है कि भाषा कैसी है तो भाषा सीखना या फिर भाषा एक सहज प्रक्रिया है भाषा को लेकर प्रक्रिया वाला प्रश्न आएगा तो आप सहज पर जाएंगे कि भाषा एक सहज प्रक्रिया है यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं बिल्कुल सही बात डी वाला लेकिन गलत है कि बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है ऐसा नहीं होता नियम किसी चीज फॉलो करते करते धीरे धीरे अपने आप बन जाते हैं नियम को बनाना सिखाया नहीं जाता तीसरा प्रश्न है आपका भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का जो मुख्य आधार है वो क्या है जब भी बच्चे भाषा सीखते हैं तो उनकी भाषा सीखने में अंतर आता है कहने का मतलब है कोई बच्चा घर पर भाषा सीख रहा है कोई बच्चा विद्यालय में आकर भाषा सीखता है और कोई बच्चा इसके बाद हो सकता है बड़ा हो जाए आठवीं नौवीं क्लास में उसको तीसरी भाषा भी सिखाई जाए तो ये भाषा सीखने का जो आधार है इसमें अंतर किस आधार पर आता है पाठ्यपुस्तक के आधार पर बिल्कुल ऐसा नहीं होता भाई पहली भाषा जब हम सीखते हैं उसके लिए पाठ्यपुस्तक की ज़रूरत कहाँ पड़ती है नहीं पड़ती तो पाठ्यपुस्तक वाला पॉइंट गलत है भाषा का लिखित आकलन क्या लिखित आकलन जरूरी है शुरुआत में तो एकदम नहीं भाई बाद में आप लिखित आकलन कैसे करते हैं कि बच्चा जो लिख रहा है वो उसे समझ में आ रहा है या नहीं भाषा की जटिल संरचना नहीं इससे भी नहीं भाषा का उपलब्ध परिवेश यही बताता है कि बच्चे ने भाषा कैसे सीखी है अर्जन है वो भाषा उसकी अर्जित की हुई है या फिर उसने भाषा सिर्फ ब्रट कर सीखी है जैसे हम क्या कहते हैं भाषा अधिगम कह देते हैं ठीक है ठीके? यहाँ पर रटना शब्द तो बुरा हो सकता है लेकिन जो हम अधिगम कहते हैं जो अनुकरण के माध्यम से है वो क्या है विद्यालय वाला है किसी संस्थान के माध्यम से है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को हिंदी भाषा सिखाई जाए तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा आपके हिसाब से भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें हों क्या ये जरूरी है कक्षा में प्रिंट संबंधी परिवेश हो क्या ये जरूरी है या फिर कक्षा में लिखित आकलन हो क्या जरूरी होगा आपको ये चेक करना है कौन से स्तर पर प्राथमिक स्तर पर, पर पहली से पांचवी कक्षा की बात हो रही है कि बच्चा भाषा सही से सीख पा रहा है या नहीं कैसे और यहां पर तो खासकर क्या लिखा हुआ है कि भाई हिंदी भाषा सीखने के लिए आप कौन से साधन का उपयोग कर सकते हैं या फिर क्या चीज रख सकते हैं इनमें से जो कि बच्चे के भाषा सीखने में सबसे ज्यादा सहायक होगी तो भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान क्या ये सबसे ज्यादा सहायक होता है क्या सिर्फ रंगीन पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए ऐसा तो है नहीं क्या सिर्फ लिखित आकलन होना चाहिए ऐसा भी नहीं है क्योंकि हम प्राथमिक की बात कर रहे हैं अगर शिक्षक का भाषा ज्ञान कम भी है तो भी वो बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकता है कक्षा में ज्यादा तर क्या होना चाहिए खासकर प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए इससे बच्चे को सीखने में सहायता मिलती है टीचर बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो लेकिन फिर भी बच्चे को समझा नहीं पा रहा पढ़ा नहीं पा रहा तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा ठीक है जरूरी पॉइंट है पांचवा प्रश्न देखिए बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं इसका निहितार्थ है कि बच्चों के लिए कहा जाता है कि बच्चा अपनी बोलचाल की भाषा को लेकर आता है कहाँ पर यही लेकर वो आता है विद्यालय में ठीक है जो भाषा वो अर्जित कर चुका है तो बच्चा भाषा अर्जित करके फिर विद्यालय में आता है इसका मतलब क्या होगा कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए बच्चों को बोलचाल बच्चे की बोलचाल को सुधारा जाए क्या ये ठीक है बच्चे के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए बच्चे के भाषाई अनुभव को कक्षा से बाहर रखा जाए क्या लगता है डी ज़्यादा ठीक है क्या कि भाई बच्चा बोलचाल की भाषा को अनुभव बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय ले आया है अब उसे कह दो कि घर में तुमने जो भाषा सीखी है वो भूल जाओ सिर्फ हमारी भाषा का प्रयोग करो या फिर स्कूल में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करो क्या ये कहीं से ठीक होगा नहीं है ना तो बिल्कुल नहीं भाई ये तो गलत है और बच्चे ने जो भी भाषा सीख रखी है उस अनुभव का जितना आप उचित प्रयोग करते हैं उतना फायदा बच्चे को मिलेगा उतना ही फायदा आपको भी मिलेगा छठा प्रश्न है आपका भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं अब क्लास में आप बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं आप खुद भी मान लीजिए भाषा सीख रहे हैं हो सकता है कि आप बड़े हो गए हैं आपको एक नई भाषा सीखनी है आपको सिर्फ हिंदी या संस्कृत आती है अब मुझे मान लीजिए मुझे आती है भाई खाली हिंदी मुझे आती है खाली संस्कृत मुझे आती है खाली अंग्रेजी मुझे दूसरी भाषा तीसरी भाषा चौथी भाषा सीखनी है ठीक है तो आप अपने लिए भाषा सीखने में या बच्चों को भाषा सिखाने में किस चीज को सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंत दृश्य और श्रव्य सामग्री या फिर बाल साहित्य महत्वपूर्ण सब है लेकिन जब कोई नई भाषा सीखनी है सबसे बेहतर क्या होता है सामाजिक अंत क्रिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है अगर आपको टाइम मिले ठीक है तो आप उस परिवेश में जितना ज्यादा ज्यादा रहेंगे, उतना वो भाषा बेहतर सीख पाएंगे। इसे हम सीधे सीधे परिवेश कह सकते हैं सातवां प्रश्न देखें नहीं भाई अब सातवां तो भाई बड़ा सा आपका गद्य है चलिए पढ़कर सुनाते हैं कहा जा रहा है घायल बाज फिर उड़ना चाहता था छोटी सी कहानी है आप लोग की एनसीआरटी के सिलेबस में शायद लगी भी घायल बाज फिर उड़ना चाहता था उसने किसी जह साहस किसी तरह साहस बटोर कर उड़ान भरी और थोड़ी देर बाद फंक फड़ पंख फड़फड़ा कर उड़ने के बाद नीचे गिर गया सांप ने भी बाई सांप ने भी बाई पर बने अपने खोखल से निकलकर अपने को आसमान में छोड़ दिया और नीचे जा गिरा सांप कहने लगा सो उड़ने का यही आनंद है भर पाया मैं तो पक्षी भी कितने मूर्ख हैं धरती के सुख धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे किंतु अब निजान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा केवल हर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं है शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं कोई सहारा नहीं फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डीगे हाँकते हैं इसलिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया ये सारी की सारी बातें पहले आपको भाई कॉन्टेक्ट बता दे

बाज जिसे हम कहते हैं वो पड़ोस में ही ठीक है वही पड़ोस में ही थोड़ा सा घायल पड़ा हुआ है पहले तो उसे लगता है कि बस बहाना बना रहे क्योंकि भाई बाज और सांप दुश्मन होता है ना कि भाई कहीं मैं सामने जाऊं और वो मुझे आसमान में उड़ा ले जाए तो ये सारी की सारी बातें कौन देख रहा है देख रहा है सांप अभी सांप का चरित्र और बाज का चरित्र आपको नहीं बताते हैं अपने हिसाब से सोचिए कि दोनों का व्यक्तित्व कैसा है बाज घायल पड़ा है और सांप उसे देखकर क्या क्या बातें कहता है कौन कौन सी चीजें जरूरी है पहली चीज बाज घायल है फिर उड़ान चाहता था उसने किसी तरह साहस बटोर कर क्या किया है उड़ान भर भी ली पंख फड़फड़ाया लेकिन उड़ नहीं पाता है क्योंकि पंखों में चोट वोट लगी हुई है उसके बाद सांप ये सारी की सारी बातें देख वो कहता नहीं जैसे बुरे से पड़ोसी हो पड़ोसी होते हैं वो लोग कहते हैं कि अरे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो सरकारी नौकरी के लिए ज़रूरत क्या है हमारा बच्चा प्राइवेट नौकरी में लगा है हमारा बच्चा उसने शादी कर ली तुम भी शादी कर लो ऐसी सांप की तरह कहते हैं वो लोग भी तो सो उड़ने का यही आनंद है सो मतलब तो उड़ने का यही आनंद है भर पाया मैं तो पक्षी भी कितने मूर्ख है भर पाया मैं तो का मतलब समझ गया कि तुम लोगों के अंदर कितनी जान होती है मुझे मिल गया जो भी मुझे समझना था मैं इतनी सी बात से समझ गया ये सारी बातें सांप कह रहा है आगे देखे बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था आकाश के गुण गाते थकता नहीं था उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था ईश्वर भला करे मरते मरते बच गया अब तो मेरी यह बात और भी पची हो गई है कि अपने खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं धरती पर रेंग लेता हूँ मेरे लिए यह सब कुछ बहुत है मुझे आकाश की स्वच्छता से क्या लेना देना ना वहाँ छत है ना दीवारें हैं ना रेंगने के लिए जमीन है मेरा तो सिर चकराने लगता है दिल कांप कांप जाता है अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उसने सुना चट्टानों के नीचे एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है पहले उसे अपने कामों पर आ, कानों पर विश्वास नहीं हुआ पहले पूरा पढ़कर फिर आपको अर्थ बताते हैं किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे वह अपनी गुफा से बाहर आया चट्टान से नीचे झांकने लगा सूरज की सुनहली किरणों में समुद्र का नीला जल झलमिला रहा था लोग मिल मिलकर गा रहे थे ओ निडरबाज शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वातंत्र और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा इतना पढ़ लिया हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई हो हो सकता है काफी कुछ ना समझ में आया हो शॉर्ट में समझाते हैं ये कहानी है एनसीईआरटी की कहानी है बाज और सांप की सांप के बारे में आप लोगों ने जान लिया पहाड़ी के आसपास रहता है पड़ोस में झरना बह रहा रहा है 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 सांप सांप एकदम मजे मजे से से रह होता को कोई समस्या नहीं है। जमीन पर मजे से रेंगता है जो मिल जाता है खा लेता है फिर सो जाता है फिर सुबह उठता है रोज यही काम करता है एक दिन पड़ोस में बाज गिरा हुआ दिखाई देता है और सांप को क्या लगता है कि पहले तो भाई डरता है कि भाई बाज है दुश्मनी होती है दोनों में जाति की ही दुश्मनी है कि भाई कहीं हमें मार वार ना दे बाद में जब उसे महसूस होता है कि नहीं बाज घायल है तो उसके पास जाता है पूछता है कि भैया यहाँ पर क्यों पड़े हो और बार बार उड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो जब तुम्हारे पंखों में घाव लगा है तो तो भाई बाज बताता है कि तुम्हें क्या पता उड़ने का मजा क्या होता है ठीक है तुम तो जमीन पर रहते हो कभी उड़कर देखो तो उड़ने का मजा पता चलेगा ठीक है स्वच्छता में जो भाव मिलता है ठीक है खुलेपन का जो भाव है तुम्हें कैसे पता चलेगा उसके लिए तुम्हें उड़ना पड़ेगा बाज फिर बहुत ज्यादा कोशिश कर करके करके

थोड़ी देर बाद सांप देखता है कि जंग मतलब जो पूरा उसका वातावरण है अड़ोस पड़ोस है परिवेश है वो धीरे धीरे बाज के प्रसिद्धि के या फिर बाज की महानता के गीत गा रहा है ठीक है प्रतीकात्मक कहानी है कि आपके अंदर जो भी आप करना चाहते हैं उसकी क्षमता होनी चाहिए ठीक है उसके लिए आपको प्रयास करना होगा भले ही प्रयास में कितनी भी कठिनाइयां आए और कोई भी व्यक्ति जो आपको ये कहता है कि तुम्हारा जीवन मेरे जीवन से बड़ा कठिन है मेरा जीवन तो एकदम आसान है उसके कहने पर मत जाइए वो व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो गया है अब अपनी आ, मतलब हम कहते हैं ना अपनी सीमा में अपनी लिमिट में ही रह रहा है उससे बाहर नहीं निकलना चाहता प्रश्न है आपका कीमती रक्त में दोनों शब्द क्रमशः क्या है एक शब्द है आपका कीमती ठीक है और एक है आपका रक्त ये दोनों क्या है संज्ञा सर्वनाम बिल्कुल नहीं भाई रक्त संज्ञा और सर्वनाम नहीं है एकदम नहीं है उद्देश्य और विधेय नहीं है क्या विशेष्य और विशेषण है नहीं भाई विशेषण और विशेष्य है क्या बिल्कुल है अगर हम बात करते हैं कीमती शब्द की तो कीमती आपका विशेषण है और अगर हम कहें रक्त की तो रक्त आपका विशेष होगा विशेष और विशेषण आखिर क्या होता है विशेषण वो शब्द है जो विशेषता बताता है और विशेष वो शब्द है जिसकी विशेषता बताई जाती है बाज की विशेषता बताई जाए कि बाज महान था तो महान विशेषण और बाज विशेष यहाँ जो शब्द पहले लिखा है वो है कीमती यानी कीमती विशेषण और रक्त विशेष हो जाएगा अगला प्रश्न है ओ निडरबाज उपयुक्त पद में कारक की पहचान कीजिए एक छोटा सा पद था ओ निडरबाज ये पद किसने गाया था झरनों ने गाया था, था ठीक है जो झरना बह रहा था वहां से खूब सारी झरने बह रही थी उन्होंने गाया था ओ निडरबाज उसकी प्रशस्ति के गीत थे तो इसमें कौन सा कारक है संबंध कारक है संबोधन है कर्ता कारक है या कर्म कारक है ओ निडरबाज सोच कर देखें संबंध है संबोधन है कर्ता है या कर्म है तो इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे कि भाई ये सीधे सीधे संबोधन कारक है क्यों हे अरे ओ इत्यादि किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं संबोधन के लिए ठीक है ओ निडरबाज और अंत में क्या लगा हुआ है विस्मयादिबोधक चिन्ह तो संबोधक कारक की एक पहचान क्या है कि विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको मिलता है जहां पर प्रयोग होता है ये कारक वाला चिन्ह ठीक है तो संबोधन कारक सही होगा अगला प्रश्न है आपका स्वतंत्रता के पद परिचय में क्या उपयुक्त नहीं है स्वतंत्रता का जो पद परिचय मिल रहा था उसके हिसाब से क्या इनमें से ठीक नहीं है ता उपसर्ग देख लीजिए ठीक है या नहीं है एक वचन है स्वतंत्रता है या नहीं है संज्ञा है या नहीं स्वतंत्रता क्या स्वतंत्रता भाववाचक है या नहीं है बताएं आसान है बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा व्याकरण वाला क्या स्वतंत्रता भाववाचक है या नहीं एक भाव उत्पन्न करता है बिल्कुल मैं स्वतंत्र हूँ मैं परतंत्र हूँ स्वतंत्रता है हमारे पास हमारे पास परतंत्रता है तो बिल्कुल भाव है ये एक संज्ञा वाला शब्द है ये एक वचन भी है लेकिन क्या आपको पता है उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं उपसर्ग कहाँ लगता है उपसर्ग भाई लगता है आरंभ में ऐसा शब्दांश जो लगे आरंभ में और प्रत्यय लगता है अंत में तो यहाँ अगर त की बात आ रही है ता भाई उपसर्ग नहीं है त आपका हो जाएगा प्रत्यय स्वतंत्र मूल शब्द और त प्रत्यय लगा हुआ है उपसर्ग नहीं तो आपका ए वाला ऑप्शन गलत है पूछा गया था कौन सा उपयुक्त नहीं है तो ए वाला ऑप्शन घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी क्यों अगर कोई व्यक्ति घायल है फिर भी उड़ान बढ़ मतलब भर रहा है हम आप लोग हम अपना आप लोग का उदाहरण ले तो हम लोग क्या कहते हैं मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चार बार पाँच बार छः बार एग्जाम दिया किसी ने दो बार तीन बार एग्जाम दिया तो बहुत सारे लोग आकर कहते हैं ना वही आपके सांप वाले पड़ोसी सांप वाले रिश्तेदार आकर क्या कहते हैं कि भाई क्या जरूरत है दोबारा पढ़ाई करने की क्या जरूरत है दोबारा एग्जाम देने की जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि घायल होते हुए भी बाज ने उड़ान भरी क्यों भरी भरी होगी उसे मुक्त आकाश की स्वच्छता प्रिय थी उसने अपनी निडरता का प्रमाण देना था क्या यह लॉजिकल है उसे प्रमाण नहीं देना था उसे किसी को प्रमाण नहीं देना था उसे बस जो चाहिए था वो जमीन पर नहीं था वो कहाँ मिलता आकाश में उड़ान उसकी विवशता थी नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था उसे चाह थी उड़ने की इससे वह शीघ्र अच्छा हो सकता था नहीं ऐसा भी नहीं था कि आकाश में उड़ते ही वो ठीक हो जाएगा बल्कि वो जमीन पर रहता तो शायद धीरे धीरे उसके घाव भर जाते लेकिन उसे जमीन पर रहना बिल्कुल नहीं पसंद था उसे कहाँ जाना था उसे मुक्त आकाश की स्वच्छंदता चाहिए थी यानी मुक्त आकाश की आजादी वही प्रिय थी बाज को अगला प्रश्न है भर पाया मैं खाली तो, खालिस्तान सांप के इस कथन का आशय क्या है भर पाया मैं तो कहां कहता है सांप जब सांप देखता है ना कि बाज भाई क्या कर गया बाज ने धीरे धीरे कोशिश की उड़ने की और नहीं उड़ पाया अंततः बाज की मृत्यु हो जाती है झरने में बहकर तो सांप क्या कहता है इधर उधर मुंह लपेट कर एक बार खुद भी कोशिश कर लेता है सांप ऐसे रिश्तेदारों रिश्तेदार लोग भी करते हैं एक बार खुद भी कोशिश करता है सांप ऊपर उड़ने की एक छोटे से पत्थर पर जाता है उड़ने की कोशिश करता है और धप्प से नीचे गिर जाता है उसके बाद सांप ये बात कहता है कि भर पाया मैं तो क्या जरूरत है ये काम करने की कितना बढ़िया है जमीन पर रेंगते रहना दिक्कत क्या है भाई जमीन पर है सब कुछ बढ़िया आकाश में नहीं जाना चाहिए आकाश कोई ऐसी जगह नहीं है जिसकी लोग तारीफ करते हैं जमीन सबसे अच्छी है होता है तो भर पाया मैं तो सांप के इस कथन का मतलब क्या है कि आनंद आ गया अब बैठा रहूंगा समझ गया अब धोखा नहीं खाऊंगा देख लिया अब नहीं दे कोई वाक्य नहीं है मन भर गया अब नहीं उड़ूंगा नहीं ऐसा भी नहीं है सांप उड़ने की बात नहीं कह रहा था सांप का कहना था कि बस आनंद आ गया अब मुझे कुछ काम करना ही नहीं अब मैं यहीं बैठा रहूंगा भर पाया मैं तो कहने का मतलब होता है अब यहीं बैठे रहना है गाँव में अभी भी जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं ना बूढ़े बूढ़े दादाजी वगैरह वो अभी भी कहते हैं कि भर पाया मैं तो तुम लोग तो एकदम परेशान कर देते हो तो भर पाया मैं तो का मतलब अब बोर हो गया एक हिसाब से या फिर परेशान हो गया ये कह लीजिए आकाश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए वे कथन चुनिए जिन्हें सांप सांप गलत मानता मानता था था या फिर असत्य मानता था। के हिसाब से इनमें से झूठा या झूठ कथन कौन सा था वहां ढेर सारी रोशनी है बाज बार बार सांप को बताता भी है सांप पूछता है ना कि भाई तुम क्यों उड़ना चाहते हो तो बाज बताता है आकाश में रोशनी थी क्या इस बात को सांप अस... मतलब सांप सच मानता है या नहीं वहां कोई आधार नहीं है इस बात को सांप सच मानता है या नहीं वहां सुख ही सुख है दो बातें हैं इनमें से जिसे सांप झूठ मानता है कौन सी बात थी पहला और दूसरा केवल तीन केवल एक एक और दो दोनों सांप को इतना खुद से भी पता है कि भाई वहां कोई आधार नहीं है तो ये तो सच्चाई थी वहां सुख ही सुख है इसकी बात हुई नहीं थी वहां पर और ज्यादा समस्याएं हैं जमीन पर जहां सांप रह रहा था वो सिक्योर जगह थी लेकिन समस्या क्या थी कि भाई वहां ढेर सारी रोशनी है और बाज को क्या चाहिए थी वही रोशनी चाहिए थी तो अगर हम बात करते हैं जिन्हें सांप झूठा मानता है इनमें से कौन सी बात है जिन्हें सांप झूठा मानता है तो सी केवल एक कि वहां ढेर सारी रोशनी है सांप का कहना था कि जमीन पेबी तो इतनी सारी रोशनी आती है सर वही थोड़ी आएगी तो यहां पर केवल एक ठीक होगा अगला प्रश्न है आपका सांप सोचने लगा बाज अभागा था खाली स्थान क्यों अभागा था बाज अभागा था जो उसे जमीन नहीं पसंद आई ऊपर से गिरा और फिर जमीन को स्वीकारा नहीं और धीरे-धीरे मर गया तो सांप सोचने लगा बाज अभागा था क्यों क्योंकि आजादी के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई थी प्रयास करने पर भी वह उड़ नहीं पाया उसने घायल अवस्था में भी उड़ना चाहा, वह बहुत घायल हो गया था अब सांप है चरित्र याद रखिएगा कि सांप है तो मित्र जैसा व्यवहार नहीं करेगा सांप जैसा ही व्यवहार करेगा तो सांप को बिल्कुल ये नहीं पच रहा था कि भाई कोई घायल व्यक्ति है तो क्यों उड़ना चाहता है और ना ही उसे कुछ खास प्रेम था ना ही उसे थोड़ा बहुत भी कई बार होता है ना हमें सामने वाले के लिए थोड़ी दया आती है तो सांप के अंदर दया भी नहीं थी कि नहीं सामने वाला कोई है जो घायल पड़ा है तो प्रयास करने पर भी वह उड़ नहीं पाया सांप बस ये सोच रहा था कि आज़ादी के लिए उसने अपनी जान की बाजी कैसे लगा थी? वो अभागा था जिसने आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगाती उसे क्या करना चाहिए था जमीन पर मजे से रहना चाहिए था आराम से खाना पीना चाहिए था जमीन पर ही बूढ़ा हो जाना चाहिए था उड़ने के सपने छोड़ देने चाहिए थे क्योंकि बाज का पंख इस हिसाब से घायल हुआ था कि बाज जिंदगी में कभी नहीं उड़ पाता जमीन पर रहता भले ही उसका पंख ठीक हो जाता उसकी हेल्थ ठीक हो जाती लेकिन वो दोबारा उड़ नहीं पाता सांप के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा क्योंकि साप के आश्चर्य का इनमें से क्यों ठिकाना ना रहा लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे लोग सांप की समझदारी की प्रशंसा कर प्रशंसा कर रहे थे घायल बाज उड़ने लगा था सूरज की किरणों से समुद्री जल झिलमिला रहा था सांप को आश्चर्य क्यों हो रहा होगा लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे लोग सांप की समझदारी की प्रशंसा कर रहे थे घायल बाज उड़ने लगा या फिर सूरज की किरणें झलबिला रही थी तो भाई ऐसा नहीं हुआ था ए वाला ही हुआ था लोग की बात करें झरने की बात करें थोड़ी देर के लिए तो पहाड़ भी लगता है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है क्योंकि बाज की मृत्यु हुई थी बाज ने उड़ने का प्रयास तो किया लेकिन बाज उड़ नहीं पाता है घायल बाज उड़ने लगा ऐसा नहीं था लोग बाज की वीरता के गीत गा रहे थे सांप को आश्चर्य हुआ ये देखकर हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि बच्चे क्या करें हिंदी भाषा के संदर्भ में इनमें से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे इनमें से कौन सा कथन सही होगा अपना शब्द भंडार विकसित कर सके ठीक है या गलत है व्याकरण के नियमों को याद कर सके ठीक है या गलत है कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके ये पॉइंट ठीक है या गलत है कही या लिखी गई बात को शब्दशाह कह और दोहरा सके लिख सके याद रखें जब ये शब्द आ जाता है ना शब्द शाह मतलब <laughs> कह सके लिख सके लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके ये ठीक लग रहा है बिल्कुल सही है सिर्फ व्याकरण के नियम को याद रखना रटाना हो जाएगा शब्द भंडार विकसित करें यह अच्छी बात है लेकिन कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके का कह मतलब इसको कहने का मतलब होता है कि बच्चा जो सुन रहा है जो बोल रहा है जो भी पढ़ रहा है उसे वो इतनी सही तरह से समझ में आ गया कि वो उसे परख सकता है ठीक है उसके अच्छे पहलू बुरे पहलू समझ सकता है यानी इसीलिए यहाँ पर आलोचनात्मक दृष्टि का प्रयोग किया गया प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा बल देंगे प्राथमिक स्तर पर आपको बच्चों को हिंदी पढ़ानी है आपके हिसाब से इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा के मुहावरे और सबसे ज्यादा जरूरी है हिंदी भाषा की विभिन्न जरूरी है हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता जरूरी है या फिर हिंदी भाषा की मानक वर्तनी आनी चाहिए बच्चे को अपने हिसाब से बताएं कि हिंदी भाषा पढ़ाते समय क्या सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि बच्चे को मुहावरे और लोकोक्तियां आती हो हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य की संरचनाएं आती हो प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता आए या फिर हिंदी भाषा की मानक वर्तनी उसे पता हो बताइए क्या सही होगा मानक वर्तनी बच्चा बहुत शुरुआत में ही सीख लेता है हम प्राथमिक स्तर की बात तो करते हैं लेकिन सिर्फ मानक वर्तनी फिर से रटाना हुआ मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग ठीक माना जाता है लेकिन यह सिर्फ भाषा प्रयोग में सहायता करता है पूरी पूरी की भाषा पूरी नहीं है भाषा प्रयोग में मुहावरे लोकोक्तियां आए तो ये व्याकरण का एक ऐसा हिस्सा है जो आपकी बातों को प्रभावशाली बनाएगा लेकिन उत्तर ये भी ठीक नहीं है क्यों क्योंकि ये बातों को प्रभावशाली बनाता है पूरी की पूरी बात नहीं है बाकी बचता है हिंदी की विभिन्न वाक्य संरचनाएं वाक्य की संरचना नहीं समझनी भाई हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता अगर बच्चे को समझ में आती है तो इसका मतलब बच्चा उस भाषा को सीखने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित होता है कि हाँ ये भाषा बड़ी अच्छी है इस भाषा को सीखना चाहिए ठीक है तो उस भाषा को सीखने के लिए बच्चा बहुत ज्यादा उत्साहित होगा भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण इनमें से क्या है भाषा की पाठ्य पुस्तक भाषा का आकलन भाषा शिक्षण की पद्धति या भाषा का परिवेश तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है परिवेश तो सबसे ज्यादा होता है भाषा का आकलन क्यों जरूरी है क्योंकि आकलन बताता है कि बच्चा जो सीख रहा है वो सही से उसे समझ में आ रहा है या नहीं ठीक है तो सीखने के साथ साथ समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है भाषा शिक्षण की पद्धति भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है लेकिन भाषा की पाठ्य पुस्तक को बहुत कमतर माना जाता है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक सबसे अंतिम स्टेप है अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध खाली स्थान किससे है किसी ने कहा इनमें से कि भाई बच्चा भाषा सीखता है कैसे क्योंकि उसके अंदर ही भाषा सीखने की क्षमता निहित होती है किसी ने कहा था कि बच्चा अंतः क्रिया के माध्यम से भाषा सीखता है वो तो भैया आपके वाइगोत्स के थे तो वाइगोत्स ही हटा देंगे क्यों क्योंकि इन्होंने कहा कि बच्चा अंतः क्रिया के माध्यम से भाषा सीखता है यहाँ क्या लिखा है यहाँ लिखा है कि बच्चे के अंदर ही यानी अंतर्निहित होती है सभी बच्चों के अंदर भाषा सीखने की क्षमता किसने कहा था पियाजे ने कहा है स्किनर ने कहा है चॉम्सकी ने कहा है और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि किसने कहा कि बच्चे अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं बताएं अंतर्निहित भाषा क्षमता की बात होती है तो इसका मतलब तो क्लियर है ना कि सभी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता खुद से ही उनके अंदर रहती है आपको क्या करना है बस बच्चों पर ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ बच्चा गलती करता है चॉम्स की बिल्कुल सही होंगे औ कर लीजिएगा ठीक है ठीक है हिंदी व्याकरण में आपको ये ध्वनि मिलती है इसे और कहा जाता है ये बल्कि अंग हो जाएगा जिसे अनुनासिक हम कहते हैं अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है जब आप बच्चों को बड़ी कक्षा में कौन से स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर उन्हें भाषा सिखाते हैं तो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इनमें से कि व्याकरण के सभी नियमों को उन्हें रटाना है क्या कंठस्थ कराना ठीक होगा साहित्य की गद्य या पद्य विधाओं की रचना करना क्या ये ठीक है हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना क्या ये ठीक है भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना क्या ये ठीक होगा इनमें से देखें और बताएं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या होता है कंठस्थ कराना गलत है उसके बाद साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना बच्चा अभी थोड़ी रचना कर पाएगा इतनी सारी चीजों की भाई कि आप कह दें गद्य की भी रचना करो पद्य की भी रचना करो हिंदी भाषा के समग्र इतिहास के बारे में जानना जानना ठीक है लेकिन पूरा का पूरा इतिहास ऐसे नहीं जाना जा सकता भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान करना और उसका विश्लेषण करना यहाँ पर नियमबद्ध गलत नहीं है मतलब भाषा नियम में बंधी हुई होती है ना भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है ठीक है क्रमबद्ध व्यवस्था नियमबद्ध व्यवस्था है तो ऐसे ही सीखी जाती है भाषा अगला प्रश्न है हिंदी भाषा सिखाने के संदर्भ में कक्षा आठ में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह क्या करेगा कक्षा आठ का कोई बच्चा है उससे यह उम्मीद की जाती है कि हिंदी भाषा सीखते समय क्या होगा इनमें से हिंदी भाषा की समस्त नियावली को नियमावली को जान सके हिंदी भाषा के जो जितने रूल्स हैं नियम हैं कि आपको अंक का प्रयोग करना है अनुनासिक है अनुसवार है आपको सारे के सारे आ, हिंदी मतलब भाषा की पूरी की पूरी वर्णमाला सही से याद होनी चाहिए क्या ये सारे के सारे नियम जरूरी हैं सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है अपेक्षित का मतलब होता है कि बच्चे में ये चीज़ होनी चाहिए तभी वो भाषा सीख पाएगा हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सके नहीं जरूरी तो है लेकिन उतना नहीं भाई मुहावरे लोगों ना आए फिर भी भाषा आ जाएगी उसे विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग और तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग करना ये तो गलत माना जाता है बहुत गलत माना जाता है हमेशा कठिन शब्दावली कठिन शब्दों का प्रयोग कभी ये नहीं दिखाता कि आपकी भाषा में पकड़ अच्छी है गलत अर्थ प्रकट करता है ठीक है बुरे के लिए प्रयोग किया जाता है आगे आए भाषा अर्जन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही है भाषा अर्जित करने को लेकर इनमें से आपको क्या लगता है जो कि ठीक पॉइंट है यह सहज होता है सरल होता है कठिन होता है सीखा जाता है पीछे बताया था ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना था कि भाषा अर्जन कैसा है सहज है सरल है कठिन है या फिर सीखा जाता है भाषा अर्जन को लेकर कौन सी बात की गई थी तो कहा गया था कि भाषा अर्जन क्या है ये बहुत ही सहज होता है भाषा सीखना कभी सरल नहीं है कठिन भी नहीं है ये सीखा जाता है ऐसा नहीं है भाई भाषा अर्जन होता नहीं है कि भाई सीखेंगे तो हम क्या कहेंगे उसे तब हम उसे अधिगम कहेंगे भाषा अर्जित की जा रही है इसे अधिगम कहा जाएगा अंतिम वाले को तो बचा क्या भाई भाषा सहज होती है यानी धीरे धीरे सहज रूप में सीखी जाती है ना ही सरल है ना ही कठिन है अगला प्रश्न है आपका मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ इसलिए मैं ये आपके लिए कहा जा रहा है आप लोग अध्यापक हैं भाई आप लोग अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देते हैं इसलिए आप क्या करते हैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देते हैं सही है या गलत है अलग अलग भाषाओं की पुस्तकों का आदर करते हैं ठीक है या गलत है बच्चों को कई भाषाओं की कविता का गान करवाते हैं ये बात ठीक है या गलत है शाम पट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ दो भाषाओं में अवश्य लिखते हैं क्या ये ठीक है या गलत है बताइए मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूं इसलिए क्या करती हूं मैं अपनी बच्चों को मतलब सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आप आजादी देंगे बिल्कुल देंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अलग अलग भाषाओं की पुस्तकों का आदर करें ठीक है लेकिन आप अब वही बात है ना कि अलग अलग भाषा की पाठ्य पुस्तकें आपकी क्लास में कर क्या रही होंगी आप तो हिंदी के अध्यापक हैं कितनी भाषा की पुस्तक लेकर आएंगे भाई तो ये कहने सुनने में अच्छा है लेकिन फिर वही बात है ना रियलिटी नहीं है बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाते हैं फिर ये सुनने में अच्छा लग रहा है अच्छा हम अध्यापक हैं हमें खाली हिंदी आती है आपको तीन भाषाएं आती हैं आप स्टूडेंट हैं आपको चलिए हरियाणवी भी आती है आपको अंग्रेजी भी आती है हिंदी भी आती है मुझे बस हिंदी आती है तो मैं आपको कैसे अंग्रेजी का गान करवाऊँ या अंग्रेजी की कविता का गान करवाऊँ गलत बात हो गई ना संभव नहीं है शाम पट यानी ब्लैकबोर्ड पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ दो भाषाओं में लिख बताएंगे नहीं हो सकता अध्यापक को अगर दो भाषाएं नहीं आती हो तो अध्यापक भाई एक ही भाषा का ज्ञाता हो सकता है ना ऐसा नहीं कि दो भाषाओं का हो नहीं सकता लेकिन अभी अगर कोई व्यक्ति एक भाषा का ज्ञाता है उसे आप कहें नहीं दो तीन भाषा और सीख जाओ तो इतना आसान थोड़ी है इसीलिए आपका डीवी सही नहीं होगा आपकी कक्षा के लिए कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं इसका सबसे संभावित कारण क्या है आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो कि सड़क को सड़क बोलते हैं इसका कारण क्या हो सकता है लापरवाही इसका कारण है उन्हें हिंदी नहीं आती ये कारण है उनकी मातृभाषा का प्रभाव है ये उन्हें सुनने में होती है समस्या किसी भी क्लास के बच्चों को सड़क बोलने में मतलब सड़क आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कुछ बच्चे होते हैं कुछ बहुत बड़े व्यक्ति भी होते हैं जो सड़क को सही से सड़क नहीं बोल पाते वो सड़क बोलते हैं इसका कारण जब भी हम भाषा पढ़ते हैं तो आप लोगों को बताया भी जाता है कि इस बात का सही कारण इनमें से क्या हो सकता है लापरवाही बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई लापरवाही में ये गलती नहीं होती है ऐसा भी नहीं है कि उन्हें हिंदी नहीं आती उन्हें सुनने में समस्या भी नहीं है वो दूसरे लोगों से सड़क ही सुनते हैं लेकिन खुद सड़क बोलते हैं क्यों क्योंकि क्षेत्रीयता का प्रभाव होता है ठीक है जिस क्षेत्र विशेष में आप रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है और इसी क्षेत्र विशेष के प्रभाव के कारण कई बार कुछ वर्ण बोलने में दिक्कत आती है ड ल, ल, ल। ये बोलने में थोड़ी दिक्कत आती जीव जब सही से पलट नहीं पाती तब ठीक है तो उनकी मातृभाषा का इसे प्रभाव कहा जाता है चलिए अगला प्रश्न है आपका लेखन कुशलता का विकास करने में इनमें से सबसे कम महत्वपूर्ण तो क्या है जब लिखने की कुशलता का विकास करना हो तो आपके हिसाब से इनमें से सबसे कम महत्वपूर्ण तो क्या है आंखों देखी घटनाओं को बच्चे को कहें कि बच्चे कल तुमने ये बात देखी ये घटना देखी इसे लिखो कल बच्चे ने कोई एक्सीडेंट होते हुए देखा कल बच्चे ने देखा कि टीवी पर ये बड़ी खबर आ रही थी कल बच्चे ने देखा कि भाई उसके पड़ोस में अः कोई ब्लड कैंप लगा हुआ है ठीक है रक्तदान का कैंप है भाई ब्लड डोनेशन कैंप है तो आप इसे बच्चों को कहें कि अपने शब्द में लिखिए क्या ये बढ़िया है बिल्कुल है अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए कहते हमारे अध्यापक ये करवाते थे ये तो बहुत अच्छा माना जाता है कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन करवाएं ये भी बढ़िया है लेकिन इनमें से क्या लाभदायक नहीं है प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी। इसका प्रयोग आप बच्चे की कुशलता विकसित करने में नहीं कर सकते अगला प्रश्न है इनमें से मौखिक अभिव्यक्ति दोष कौन सा है खुद की बातों को खुद के भावों को अभिव्यक्त करने वाला दोष में से क्या हो सकता है तुतलाना, हकलाना नकियाना नकियाना का मतलब बहुत सारे वर्ण और कई बार तो पूरा का पूरा शब्द ही आपकी नाक से निकलता है यानी की कि पूरी पूरी की ध्वनि आपकी नाक से निकलती है सामने वाले को वो शब्द सही से समझ में नहीं आता तो मौखिक अभिव्यक्ति का दोष इनमें से कौन सा है तुतलाना हकलाना नकियाना या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति कहने से मतलब ये नहीं कि मुख से आप सिर्फ बोलें इसका मतलब है जब आप अपने भाव अभिव्यक्त करते हैं तो उसमें से कहा दिक्कत आ सकती है इन तीनों कलाकार से बिल्कुल ठीक आपके तीनों के तीनों ऑप्शन सही है यह है आपका अंतिम प्रश्न बच्चों की पठन कुशलता का बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इनमें से क्या है पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास क्या ये सबसे ज्यादा जरूरी होंगे सबसे ज्यादा पूछा है भाषिक संरचनाओं का अभ्यास क्या ये सबसे ज्यादा जरूरी है इसके बाद बारी आती है अर्थ की अपेक्षा उच्चारण का उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान देना क्या ये सबसे ज्यादा जरूरी है विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री क्या ये सबसे ज्यादा जरूरी होगी आपके हिसाब से बच्चों को पढ़ाने की कुशलता में सबसे ज्यादा जरूरी यानी कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है यही भाई अंतिम प्रश्न है इस प्रश्न का जवाब हमें नहीं पता इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में जो बच्चे बाद में क्लास देखते हैं भाई आप लोगों पर भी जिम्मेदारी है आप लोगों पर भी जिम्मेदारी है इस प्रश्न का जवाब सभी विद्यार्थी देंगे कमेंट बॉक्स में ठीक है तो चलिए कमेंट बॉक्स में उत्तर दें और ये हो गई आज की आपकी पूरी क्लास और अगर फिर वापस आप लोग तैयारा कर तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के किसी भी एग्जाम की या फिर टीचिंग के एग्जाम की तो बढ़िया मौका है आपके पास आप आसानी से भाई हरियाणा शिक्षक का महापैक ले सकते हैं या फिर हरियाणा महापैक ले सकते हैं हरियाणा की बाकी तैयारियों के लिए अगर आप सिर्फ टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा शिक्षक का महापैक आप ले सकते हैं वही भाई अठारह सौ पड़ेगा कुल मिलाकर और आपको कोड अप्लाई करना होगा वाई आठ कोड क्या रहेगा भाई आपका कोड होगा वाई एट थ्री टू ठीक है वाई आठ सौ बत्तीस अप्लाई करते ही आपके कोर्स की प्राइस हो जाएगी कम और यहां पर हम हिंदी पैडागोलॉजी हिंदी साहित्य दोनों पढ़ते हैं तो साहित्य साहित्य वाले विद्यार्थी भी अगर देखना चाहते हैं जरूर देख लें यह है आपका एस्टेट का टाइम टेबल इसे देख लीजिए भाई अगर हम बात करते हैं इंग्लिश है की क्लास होती है आपकी सुबह आठ बजे उसके बाद रीजनिंग की क्लास होती है सुबह नौ बजे मैथ की क्लास होती है सुबह दस बजे और साइंस की क्लास होती है आपकी सुबह ग्यारह बजे ठीक है उसके बाद आपकी बारह बजे एसएसटी की क्लास होती है हिंदी की क्लास होती है दोपहर में दो बजे तो आपके पास बीच में एक घंटे का गैप रहता है और हम बात करते हैं अंत में एकदम एंड में आपकी सी की क्लास होती है रात के दस बजे तो सारी की सारी क्लासेस का शेड्यूल देख लीजिए अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए बता देते हैं आपको क्या करना होगा ऑनलाइन जाइए और यहीं पर ही आपको अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर जाना होगा गवर्नमेंट एग्जाम वाले सेक्शन में आपको आना है टीचिंग पर टीचिंग पर आने के बाद आप जाएंगे एचटेट और एच में ही आपको आपके सारे के सारे कोर्स दिखाई देंगे ये कोर्स देख लीजिए कौन कौन से कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं हम बात करते हैं टी जी टी की सारे कोर्स अवेलेबल हैं किसी भी कोर्स पर क्लिक कीजिए और अगर ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग कूपन कोड यहीं पर ही अप्लाई कर सकते हैं बाई नाव पर जाइए कूपन कोड अप्लाई करेंगे ये कोड है आपका वाई ठीक है वाई थ्री टू ये अप्लाई कीजिए प्राइस हो जाएगी कम और बाकी फिर मिलेंगे अगली क्लास में ठीक है आज की क्लास यहीं तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए चाहे अभी चाहे तो भाई जब आप लोगों की ये क्लास बाद में आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो भाई तब भी लाइव कर सकते हैं और क्लास के नीचे कमेंट भी कर दिया करें कि क्लास कैसी लगी अच्छी लगी या नहीं लगी ठीक है चलिए उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी पहले तो बता दीजिए अंतिम वाले प्रश्न का उत्तर क्या था और उस प्रश्न का जवाब भी सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे जो बच्चे बाद में क्लास देखते हैं अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो उसे लिख कर रख लिया कीजिए ठीक है लाइव वाले बच्चे बढ़िया जो बाद में क्लास देख रहे हैं आप लोग भी अपने डाउट लिख कर रख सकते हैं चलिए आज की क्लास यहीं तक मिलता है अगली क्लास में तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें धन्यवाद